पहले तो मैं अपने केबी सर को नमन करना चाहूँगी। उनके दिए हुए ज्ञान को मैं अपने तरीके से आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मेरा आज का पहला टॉपिक है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। क्या है मन की शांति? जब हम घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि हमें समय का भी पता नहीं लगता। और जब घर के अंदर आ जाते हैं तो बच्चों की आवाज़ कानों में गूंजती है, रसोई घर के बर्तन बॉम्ब की तरह लगते हैं, टीवी की आवाज़ कानों को खाती है कि टीवी बंद हो जाए। क्यों, कहाँ चली जाती है मन की शांति जब हम घर के अंदर आ जाते हैं? कभी सोचा है दोस्तों, जो खुशी हम अपने बाहर अपने दोस्तों के साथ बिता सकते हैं वही खुशी हम अपने घर में सेम खुशी ला सकते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं। हमारी मन की शांति के दो दिशाएं हैं, पहला नॉर्थ ईस्ट और दूसरा दक्षिण दिशा। अगर नॉर्थ ईस्ट में भारी सामान, अग्नि तत्व, लाल रंग, ऐसा कुछ भी सामान आ जाए या कोई ऐसी फोटो आ जाए, पिक्चर आ जाए, तो वो हमारी मन की शांति भंग कर देता है। दूसरा दक्षिण दिशा, अगर इस दिशा में नीला रंग, जल तत्व, वेवी पैटर्न्स, इससे मिलता जुलता कुछ भी आ जाए, हमारी मन की शांति भंग हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, ये दो दिशाएं सही तरीके से संतुलित होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर गलत रखी हो तो प्लीज़ इसको हटा दीजिए और देखिए, जैसा समय आप अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं वैसा ही समय आप अपने घर में बिताने लग जाएंगे, अपने घर वालों के साथ या आप अपने साथ। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की दिशा है क्लैरिटी की दिशा और साउथ यानी दक्षिण की दिशा है रिलैक्सेशन की दिशा। थैंक यू। अगर कोई चीज़ और पूछना हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।